जी, लाहौर प्रेस क्लब के सामने टेक्सटाइल पावर लूम्स एंड गारमेंट वर्कर्स फेडरेशन इत्तेहाद लेबर यूनियन के वर्करों ने बाइज्जत रोजगार के आलमी दिन के मौके पर एक एहतजाजी रैली निकाली। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी नियाज अहमद खान ने हुकूमत और फैक्ट्री मालकान से मुतालबा किया है कि डिसेंट वर्क का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हमारी ये ख्वाहिश है कि पूरे पाकिस्तान में हर मुलाजम पेशा आदमी को बाइज्जत रोजगार दिया जाए। बाइज्जत रोजगार वही होता है जिसमें तनख्वाह उसकी ज़रूरत के मुताबिक हो, जिसके लिए हमने मुतालबा किया है कि तनख्वाह कम अज़ कम 35,000 रुपया महाना हो ताकि वो बाइज्जत अपने बच्चों का पेट भर सके, इलाज मुआलजा करा सके और तालीम दे सके। उसके अलावा फैक्ट्रियों में ट्रेड यूनियन की आज़ादी होनी चाहिए, तमाम फैक्ट्रियों में सोशल सिक्योरिटी EOBI कार्ड हर वर्कर के पास होना चाहिए और ये उसकी ज़रूरत भी है, मगर बदकिस्मती से 55 साल हो गए हैं सोशल सिक्योरिटी कार्ड के कानून को, मगर अभी तक सिर्फ 5 से 6% वर्कर को मिला है, बाकी वर्करों को फैक्ट्रियों में सोशल सिक्योरिटी कार्ड नहीं मिला हुआ, ना ही किसी गारमेंट फैक्ट्री में भी और बाकी दीगर तमाम फैक्ट्रियों में भी। और हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि वो मालकान पर ये लाजम करें कि वो हर वर्कर जिसको वो फैक्ट्री में भर्ती करते हैं उसको तकरारनामा जारी करें ताकि कल को उसको निकाला जाए तो उसके पास सबूत हो। जैसे आपने देखा है कि 2012 में अली इंटरप्राइजेज में 350 लोग शहीद हो गए थे, मर गए थे 270 के करीब, और उनमें से बेशतर के पास कोई शिनाख्त ही नहीं और ना ही फैक्ट्री कार्ड था, ना ही EOBI कार्ड था, ना ही सोशल सिक्योरिटी कार्ड था। और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वर्कर को सोशल सिक्योरिटी और EOBI कार्ड लेने के लिए उसको मरना पड़ेगा तब उसको मिलेगा। हमारा हुकूमत से और मालकान से मुतालबा है कि वर्कर को तकर्र के वक्त सोशल सिक्योरिटी और EOBI कार्ड जारी किया जाए और तनख्वाहें जो हैं वो कम अज़ कम 35,000 की जाए। बात के लिए इंतजार करें, जैसा कि आज डिसेंट वर्कर डे है, खास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में गारमेंट वर्कर जो कि इससे पहले हम मुख्तलिफ़ जगहों पर एहतजाज कर चुके हैं, कम अज़ कम तनख्वाह जो है फैक्ट्रीज़ में वो जो हुकूमत ने मुकर्रर किया है वो भी नहीं दी जा रही, किसी पे 10,000 किसी पे 15,000 कम अज़ कम जो तनख्वाह मुकर्रर की गई है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पे ज़रूर अमल दरामद करे, बेशक वो आज भी सहूलियात के मुताबिक कम है लेकिन इस पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए और कम अज़ कम आमदन को जो है गारमेंट्स वर्कर को वो मिलने चाहिए। इसके साथ साथ जो दीगर सहूलियात हैं वो भी हर फैक्ट्री में सोशल सिक्योरिटी कार्ड के लिए जो चीज़ें जारी है वो यकीनी बनाया जाए, और दूसरी दीगर जो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड मुकर्रर किए गए हैं उनके बच्चों की तालीम और दीगर सहूलियात हैं उनके अमल को भी यकीनी बनाया जाए।